Amazon Prime पे ड्राई डे नाम की एक मूवी रिलीज हुई है जिसमें नजर आ रहे हैं सचिव जी उर्फ जितेंद्र कुमार। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसमें हमें सोशल मैसेज भी मिलता है। पंचायत में जितेंद्र कुमार की जो एक्टिंग थी और उसमें जो उनका कैरेक्टर था उससे बिल्कुल अलग अवतार में ड्राई डे मूवी में नजर आए हैं जितेंद्र कुमार। जहाँ पंचायत में वो सीधे साधे और सुलझे हुए इंसान की भूमिका निभा रहे थे, वहीं इस मूवी में उतना ही बिगड़ा हुआ कैरेक्टर है उनका। तो आइए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। कहानी है चगोधर नाम की जगह की और वहीं पे हैं गन्नू भैया यानी कि जितेंद्र कुमार, जो कि दिन रात अपने दोस्तों के साथ शराब में डूबे रहते हैं। एक मास्टर जी की बेटी है निर्मला, जो गन्नू के प्यार में पड़ जाती है और ये जानते हुए भी कि वो शराबी है उससे शादी कर लेती। शादी के बाद लड़ाई झगड़े इनके बढ़ जाते हैं, दोनों के बीच में बहुत कहासुनी होती रहती है। वहीं दूसरी तरफ सांसद के एक नेता के आगे पीछे घूमते रहते हैं गन्नू भैया, ताकि उनको कॉर्पोरेटर बना दे वो। मैं बता दूं आपको कि नेता के कैरेक्टर में अनु कपूर है, जिन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। ओके, फिर तो कहानी पे वापस आते हैं। गन्नू भैया अपनी टोली के साथ बस कहीं मारपीट तो कहीं गुंडागर्दी करते रहते हैं और इन्हीं हरकतों के कारण नेताजी ने उनका कॉर्पोरेटर बनने का सपना तोड़ दिया। और तब आता है कहानी में नया मोड़, जहां गन्नू भैया चाहते हैं कि लोग उनकी बात सुने और उनकी रिस्पेक्ट करें, तब वो इलेक्शन में खड़े होने के लिए तैयारी भी शुरू कर देते हैं और पूरे गांव में ये नारा लगाने लगते कि शराबबंदी होनी चाहिए, लोगों के घर उजड़ रहे हैं इसके कारण। बस फिर क्या था, गाँव के मर्द तो कोई साथ नहीं थे, लेकिन औरतें सारी की सारी गन्नू भैया के सपोर्ट में थी और पूरे गाँव में इनके ही नारे चर्चे में थे। तब सभी मिलकर गन्नू को गलत साबित करने में लगे हुए थे, जो कि अपोजिशन पार्टी के थे। बस इन्हीं सारे मुद्दों पे इस मूवी को बनाया गया है, लेकिन कॉमेडी बहुत अच्छी लगी इस मूवी की मुझे। और एक्टिंग वाइज तो सभी ने अपना परफॉर्मेंस बेहतरीन ढंग से निभाया है, लेकिन हमें सचिव जी का नया अवतार देखने को मिला, जो कि एकदम अलग लगा मुझे और इम्प्रेसिव भी। ओवरऑल मूवी अच्छी है और इसमें कोई अडल्ट सीन्स वगैरह नहीं है, तो आप अपनी फैमिली के साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है सौरभ शुक्ला ने, जिन्होंने शराबबंदी जैसे मुद्दों को उठाया है इस मूवी के जरिए। बाकी गाइस, जिन्होंने मूवी देख ली है वो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और जिन्होंने नहीं देखी है वो देख सकते हैं, मूवी अच्छी है। और गाइस, ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट दें। मिलती हूँ मैं आपसे एक और ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।